भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के सदर लोकसभा संचालन समिति की बैठक शुक्रवार को नेपाल क्लब के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री व प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह व पद्मसेन चौधरी के अलावा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, शीतल पांडे, संत प्रसाद, महेंद्र पाल सिंह सहित संचालन समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंडलवार प्रभारियों से बूथों पर मतदाताओं को जोड़ने का कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिले के प्रभारी व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, सब टोटल मिला सदस्यता 750 मिला है। हाँ, जमा हो गया। पुनरीक्षण पर कितना काम हुआ जानकारी सही नहीं मिल पाई है। फार्म हुआ है क्या? असलियत ध्यान नहीं गए। बूथ कितने फार्म भरे गए ले करके आप जानकारी जिला इकाई को दे दें, ठीक है? कितने बूथ हैं? 121 बूथ दीपावली तक। दीपावली तक और सुखा 60 फार्म दीपावली तक। और ये जो मतदाता पुनर्निर्चय दूसरे अध्यक्ष डॉक्टर 159 कितने का गठन हो गया? पूर्ण हो गया है पूरा, लगभग 4000। 4000 जरा ताली बजा के इस ठीक है बैठिए। चरगावा मंडल था और बाकी था बूथ अध्यक्ष काम नहीं करे, सही करके लाया 31 गोती देना। चलिए ठीक है। गोरखपुर 34 बूथ है, मंडल अध्यक्ष के कथनानुसार सब गठित है, लेकिन जो सत्यापन अधिकारी आए थे उसमें प्रभारी जी आज शाम को बैठ करके दो दिन के अंदर प्रभारी मान लीजिए जयप्रकाश जी का भी सहयोग ले लीजिए, जयप्रकाश निषाद जी का, आप भी दोनों मिल करके और पूरी सूची लेकर के एक बार अवलोकन करके उसे कंप्लीट कराएंगे। और सदस्यता विधानसभा का बता दोनों मंडल गोरखपुर ग्रामीण में सदस्यता जो है आदरणीय अध्यक्ष जी चाहे जिला प्रभारी जी को बता करके जिसको व्यवस्था वो है उनके पास जमा जो है मंडल अध्यक्ष पाली सर चलिए बधाई दीजिए इनको ताली बजा करके 763 बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। चलिए चलिए BLO 2 बन गया है। BLO 2 हमारे माननीय विधायक शीतल पांडे जी, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विपिन सिंह जी, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय राधा मोहन जी, या पार्टी के जो हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ लोग हैं उनका सहयोग लेकर के आप इस कार्य को पूरा करें। हम आज आप सबका पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणदीप राय बड़े हैदराबाद से बड़ी सेना लेकर के लौटे हैं उनका भी स्वागत करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता। अभी हम लोगों ने वृत्त लिया है, वृत्त निवेदन पांचों विधानसभाओं का कहा है ये आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। चुनाव एक समर होता है, युद्ध, और जहां जीत हार का विषय आवे तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, यानी हार जीत जब तय करने के लिए विषय होता है, युद्ध का मैदान होता है, युद्ध का एक नियम है, बुझे मन से कुटल हथियारों से कभी जंग नहीं जीती जाती। हम फिर दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, बुझे मन से कुटल हथियारों से कभी भी जंग नहीं जीती जाती। अब हमने सजा जी से कहा था और अभी हमारे प्रभारी जी भी ने कहा सबसे हमारा परिचय करा दीजिए, सभी पदाधिकारियों से
जिनको युद्ध में स्वयं जाना है कमांडर के रूप में और अपनी फौज को भी लगाना है। लोकसभा के चुनाव संचालन समिति की बैठक है, इसमें हम लोकसभा भारी मतों से जीत कर जाए, माननीय नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने, हम और 74+ विधान लोकसभाएं जीते और गोरखपुर लोकसभा भी अच्छे मतों से जीतेंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होता है। मतदाता पुनरीक्षण की भी कुछ बात की गई, मतदाता पुनरीक्षण में मतदाता बनाने का भी निर्णय है, नवंबर तक मतदाता बनाए जाएंगे, भारतीय मतदाता हैं, हर बूथ पर 20 मतदाता बनाए जाएंगे, ये भी संदेश करते हैं।